गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे टिल ब्लड ग्रुप्स तक अपन पढ़ चुके हैं, आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले अपन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि आरएच फैक्टर का जब अपन पता चला लगा रहे थे तो ह्यूमन ब्लड को किस ऑर्गेनिज्म के सीरम के साथ इनोक्यूलेट किया गया था। तो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड गिनिया पिग, ठीक है ना। गिनिया पिग के सीरम के साथ इनोक्यूलेट किया था किसको, ह्यूमन ब्लड को। कैसे याद होगा आपको कि गिनिया पिग जिसको रिशस मंकी का ब्लड दिया गया था, उस गिनिया पिग के अंदर क्या बने थे, एंटीबॉडी, ठीक है, किसके लिए, आरएच एंटीजन के लिए। अब उस गिनिया पिग का क्या लिया गया, ब्लड। ब्लड के अंदर दो पार्ट हैं, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला और दूसरा प्लाज्मा वाला। प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो गिनिया पिग के प्लाज्मा में क्या थी, आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा से जब आप प्लाज्मा माइनस फाइबर प्रोटीन्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दें प्लाज्मा में से, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, सीरम। व्हाट वी कॉल दैट, सीरम। तो सीरम वाले पार्ट में क्या है, इसका मतलब एंटीबॉडी। कौन सी, आरएच एंटीबॉडी, किसके सीरम में, गिनिया पिग के। अब ये ह्यूमन ब्लड के सैंपल्स हैं, ठीक है, इनको इस सीरम के साथ क्या किया जा रहा है, इनोक्यूलेट। इज दिस क्लियर। अब अगर ये एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति जो है, इसके ब्लड में आरबीसी की क्लंपिंग होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आरबीसी की अगर क्लंपिंग हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि इन लोगों के ब्लड की आरबीसी की मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन है, आरएच एंटीजन है। तो ये लोग क्या हो गए, आरएच पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लंपिंग क्यों हुई, क्योंकि इनकी सरफेस पे क्या है, एंटीजन, और इस सीरम में क्या आया है, एंटीबॉडी, कौन सा, आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनके ब्लड की क्लंपिंग नहीं होती है, आरबीसी की क्लंपिंग नहीं होती है, कारण इनकी आरबीसी की सरफेस पे क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, सीरम में उपस्थित आरएच एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो ये कौन हो गए, आरएच नेगेटिव। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो अपने से पूछा जा सकता है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए, वो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स कौन से हैं। तो देखिए, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स में अपन किसको शामिल करते हैं, द फर्स्ट वन इज हिपेरिन, विच अकर्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और वो ब्लड जो अपने बॉडी में फ्लो हो रहा है तो उसके क्लॉट बनने को, वेसल्स में उसके क्लॉट बनने की प्रक्रिया वो क्या करता है, रोकता है। अगर क्लॉट बनता तो वो स्थिति, वो जो क्लॉट है वो कहलाता है थ्रोम्बस, और जो प्रोसेस है वो कहलाती है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो हिपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है इन केस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन केस ऑफ लीच आपसे पूछा जाए तो हिरुडीन, हिरुडीन जो है वो किसके रूप में है, एंटीकोगुलेंट के रूप में, और इसीलिए लीच जो है वो अपने विक्टम से कंटिन्यूस सप्लाई प्राप्त करती है किसकी, ब्लड की, कारण जो इसके स्लाइवा में हिरुडीन है वो विक्टम के ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता है, उसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता जहां पे घाव हुआ है। इज दिस क्लियर। यहां पे ह्यूमन बींग्स के अंदर ये हिपेरिन जो है उसका सिंथेसिस कहां पे होता है, लीवर में, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड, जो ब्लड बैंक्स होते हैं या ब्लड को स्टोरेज किया जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो इसके लिए उनमें एंटीकोगुलेंट के रूप में क्या मिक्स किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मिक्स्ड इन द ब्लड बैंक्स टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, ठीक है।
तो उसका कोगुलेशन रोकने के लिए वहां पे सोडियम और पोटेशियम ऑक्सलेट या सोडियम साइट्रेट जो है उसको एंटीकोगुलेंट के रूप में मिक्स किया जाता है। इज दिस क्लियर? नाउ अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर अगला जो पार्ट है ब्लड के बात करने के बाद वो कौन सा है? हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब अपन ले रहे हैं हार्ट, ठीक है। क्या ये हार्ट? देखिए, वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरली कि हार्ट जो है उसकी ओरिजिन जो है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो उसकी ओरिजिन जो है वो एनेलिड से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। अगर अमंग द वर्टिब्रेट्स अपन बात करें तो दे विल हैव द सिंगल हार्ट, उन सब में एक सिंगल हार्ट होगा, ठीक है। एंड विच काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी कैन से दिस इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, जिसके बारे में अपन ये कह सकते हैं इट्स ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, होलो खोखला एक स्ट्रक्चर है। जो मसल्स हैं इसके अंदर वो कौन सी होती हैं? कार्डियक मसल्स कहलाती हैं वो, और कार्डियक मसल्स बेटा जो है वो इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, इन वॉलेंट्री नेचर की है, ठीक है। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है और एक पंपिंग स्टेशन का काम कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है अपना कि बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, और बॉडी ऑर्गन्स को ही ब्लड पंप करता है, रिसीव करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दिस क्लियर? तो इट इज वी कैन से द हार्ट इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंड पंपिंग द ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट द पंपिंग स्टेशन और द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? पंपिंग स्टेशन कह रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड, इसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। तो नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। तो एनेलिड्स से ये स्टार्ट हुआ वर्टिब्रेट्स के अंदर आते आते, ठीक है ना, ये ज्यादा एडवांस होता गया, डेवलप होता गया। तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट वी विल डिस्कस इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये कैसे इवॉल्व हुआ, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। क्या है हार्ट? देखिए, इंटर कम्युनिकेटेड चैम्बर्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इवोल्यूशन के दौरान क्या बने? चैम्बर्स, और फिर उनके बीच में क्या हुआ? इंटर कम्युनिकेशन, आपस में कनेक्शन स्थापित हुआ, कम्युनिकेशन स्थापित हुआ, ठीक है। और इंटर कम्युनिकेशन के अंदर ये जो चैम्बर्स बने वो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर अपन देखें तो 2 to 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 to 4 चैम्बर्स का मतलब क्या है बेटा? 1 or 2 ऑरिकल्स एंड 1 or 2 वेंट्रिकल्स। दीज आर द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड दीज ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड द ट्रू चेम्बर्स। इनको अपन क्या कहेंगे? ट्रू चेम्बर्स, ठीक है। बट वेन वी विल डिस्कस अबाउट द लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स की अगर अपन बात करें तो लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें ट्रू चेम्बर्स के साथ साथ एडिशनल चैम्बर्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये एडिशनल चैम्बर जो है उनको असेसरी चैम्बर्स भी कहा जाता है,
ठीक है ना, जैसे साइनस, वीनस या विनोसस, ठीक है। दूसरा कोनस आर्टेरियोसस, ऑल्सो कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस, ऑल्सो कॉल्ड बल्बस आर्टेरियोसस। तो दीज आर असेसरी चेम्बर्स। इज दिस क्लियर? विच विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट्स। विद द इवोल्यूशन क्या हुआ, ये जो असेसरी चेम्बर्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए, डिस्प्लेस्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन, याद रखना ये इनकॉर्पोरेटेड इन, किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, राइट एट्रिया या एट्रियम की जो वॉल है उसमें, एंड वेंट्रल एओर्टा, ठीक है ना। जो हर्ट का जो हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बना, ये हर्ट है, तो ये जो राइट एट्रिया है इसकी वॉल में इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है। कौन, ये असेसरी चेम्बर्स प्लस वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा जो है उसके अंदर क्या हो गई, इनकी पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन हो गई, ठीक है ना। ये वेंट्रल एरोटा जो है उसके अंदर ये क्या हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गए। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखिए वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द हर्ट ऑफ द डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो वी विल डिस्कस अबाउट द फिशेज, यानी कि जो फिशेज हैं उनके अंदर हर्ट जो है वो किस प्रकार का था। तो फिशेज के अंदर हर्ट की अगर अपन बात करें तो दैट वाज द टू चेम्बर्ड, कैसा था वो, टू चेम्बर्ड। तो फिश हर्ट की अपन बात करते हैं, फिशेज दीज हैविंग द टू चेम्बर्ड हर्ट, इनके अंदर टू चेम्बर हर्ट होता है। टू चेम्बर में क्या होता है बेटा, एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। इज दिस क्लियर? ऑल्सो हैविंग द असेसरी चेम्बर्स, क्योंकि लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर अपने बात की थी, दोनों असेसरी चेम्बर होंगे इसके अंदर। कौन कौन सा, साइनस विनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, दोनों इसके अंदर होंगे, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस, दोनों प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, असेसरी चेम्बर्स मिलेंगे, ठीक है। इनका जो हर्ट है उसमें से ब्लड का सिंगल टाइम फ्लो होता है, द ब्लड फ्लोइंग थ्रू दिस हर्ट सिंगल टाइम, एक ही बार। तो दैट इज वी कैन से ये कौन सा सर्किट बना रहे हैं, सिंगल सर्किट, यानी कि यहां पे ब्लड क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होगा, जबकि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स और द हायर वर्टिब्रेट्स क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, यानी कि हर्ट के थ्रू ब्लड कितनी बार पास होता है, टू टाइम्स, लेकिन यहां पे सिंगल टाइम, आप ये ध्यान में रखेंगे। और जो ब्लड इसके थ्रू सर्कुलेट होता है हर्ट के थ्रू, वो होता भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ऐसा जो हर्ट होता है उसको बोलते हैं वीनस हर्ट, वेनस हर्ट, दैट्स मीन वेन्स है, और जो वेन्स है उनके अंदर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वेनस हर्ट, व्हाट वी कॉल दैट, वीनस हर्ट उसको अपन कहेंगे, ठीक है। हां, यहां पे एक्सेप्शन है वो आप ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्शन क्या है, लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस जो है उसके अंदर हर्ट कैसा होगा, थ्री चेम्बर्ड होगा, टू ऑरिकल्स प्लस वन वेंट्रिकल। इज दिस क्लियर? ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरली अपन देखें इस हर्ट को
तो वो कैसा दिखाई देगा अपने को? दिस काइंड ऑफ दिस हर्ट विच इज कॉल्ड द ट्यूबुलर हर्ट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्यूब की तरह ट्यूबुलर। ठीक है, दिस पार्ट इज असेसरी। असेसरी का मतलब जो एक्स्ट्रा में अपन ने बताया था क्या है, साइनस विनोसस असेसरी चैम्बर। दिस इज अगेन असेसरी चैम्बर। व्हाट इज दिस, कॉनस आर्टेरियोसस। Is this clear? This is auricle. This one is ventricle. ठीक है बेटा, ये है ventral aorta. अब देखिए इसमें से यह deoxygenated blood flow कर रहा है, ठीक है ना, that will reach to the lungs. ठीक है, गिल्स और लंग्स के अंदर ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। नाउ इट हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसको जा रहा है, बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू से ये क्या करेगा, CO2 लेगा, O2 वहां पर क्या करेगा, मुक्त करेगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड। देन इट विल इंटर इन द अगेन बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। तो जो ब्लड गया है वो कैसा गया है, डीऑक्सीजिनेटेड, और उसका एक बार फ्लो हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक ना, सिंगल सर्कुलेशन यहां पे अपने को देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ फिशेज। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन आगे गए फिशेज के बाद, अगर अपन बात करें तो कौन आते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर हर्ट जो था वो थ्री चैम्बर्ड हुआ, एम्फीबियंस के अंदर जो हर्ट है वो कैसा होता है बेटा, थ्री चैम्बर्ड। ठीक है, थ्री चैम्बर्ड का मतलब क्या है कि यहां पे टू ऑरिकल्स प्लस वन वेंट्रिकल, ये तीन चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे, दो ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, इसके साथ ही असेसरी चैम्बर्स के रूप में आपको साइनस विनोसस प्लस ट्रंकस आर्टेरियोसिस प्लस कोनस आर्टेरियोसस, यानी कि क्या मिलेंगे, असेसरी चैम्बर्स मिलेंगे। ठीक है, इनके हार्ट की एक विशेषता है कि यहां पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड जो है उसका फ्लो होगा या सर्कुलेशन होगा, लेकिन साथ ही उस ब्लड की क्या होगी, आपस में मिक्सिंग भी होगी, और इसीलिए इनका जो हार्ट है एम्फीबियंस का वो कहलाता है आर्टेरियो वेनस हार्ट। कारण इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड क्या कर रहे हैं, आप फ्लो कर रहे हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चरली आप देखिए, इससे आप समझेंगे।
दिस वन, ठीक है, यहां पे ये दो ओरिकल्स हैं और एक क्या है वेंट्रिकल, क्लियर है। अब देखिए यहां पे ये पेलेंजियम, ये साइनेंजियम, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट जो है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द, अपन ये कह सकते हैं कि साइनेंजियम और पेलेंजियम दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोनस, कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। दिस वन, ये जो पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। दिस वन इज लेफ्ट ओरिकल, दिस वन इज वेंट्रिकल, दिस वन इज राइट ओरिकल, ओके, एंड दिस वन इज साइनस वेनोसस, यानी कि असेसरी चैम्बर। ये भी दोनों कोनस और ट्रंकस भी क्या है, असेसरी चैम्बर है, ठीक है। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है, इससे लंग्स से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और थ्रू दिस कौन सा आ रहा है, यहां से कौन सा एंटर कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ब्लड आया और ये बॉडी को सप्लाई के लिए जा रहा है, इधर से आया, ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, और ये कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि इनकी आपस में क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। यही मैंने कहा था कि इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना आप, कि जो राइट पोर्शन है किसका, हार्ट का, उसका कॉन्ट्रेक्शन पहले होता है, इसीलिए मैं देखिए राइट ब्लड को थोड़ा अप दिखा रहा हूं, ठीक है ना, वो थोड़ा आगे तेजी से निकलेगा, ये धीमे निकलेगा, कौन सा, राइट साइड का, ठीक है। अब ये देखिए जो असेसरी क्या है, चैम्बर्स हैं, उनसे ब्लड क्या हो रहा है, निकल रहा है, कहां जा रहा है, देखिए दिस वन इज द डीऑक्सीजनेटेड, या वी कैन से द ब्लड विच इज पुअर इन द ओ टू, ये तो कहां चला जाएगा, लंग्स को, ठीक है। दिस वन इज टू द सिस्टेमिक आर्क, ठीक है, सिस्टेमिक आर्क प्लस कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क के थ्रू ये कहां पहुंचेगा, बॉडी, और कैरोटिड आर्क के थ्रू कहां पे पहुंचेगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कहां पे, ब्रेन, ठीक है ना। एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द, क्या है ये, पल्मोनरी आर्क जिसको अपन बोल सकते हैं, ये पल्मोनरी आर्क किसको जा रही है, लंग्स, और दूसरा किसको, स्किन, ठीक है ना, जहां से दोनों, क्योंकि स्किन भी इनके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर क्या करती है, रेस्पायरेटरी सरफेस का काम करती है, यानी कि ओ टू अपटेक करती है, या ओ टू को डिफ्यूज होने देती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो एक पल्मोनरी आर्क, बाकी ये दो आगे जाकर के दो में डिवाइड हो रही है, सिस्टेमिक आर्क और कैरोटिड आर्क, ठीक ना। सिस्टेमिक आर्क से ब्लड कहां पे जा रहा है, बॉडी पार्ट्स को, और कैरोटिड आर्क से कहां पे जा रहा है, ब्रेन को। अब बात यह आती है कि इन केस ऑफ द एम्फीबियंस ब्लड जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में जा रहा है, मिक्स हो रहा है, तो इससे उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि इनकी बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कम होती है, नंबर एक, और ये कोल्ड ब्लडेड हैं। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप पूछोगे सर ऐसा होने से क्या होगा, तो देखिए द ऑर्गेनिजम्स विच आर, वी कैन से वी हैविंग द लो बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हार, कैसे हैं वो, कोल्ड ब्लडेड, विल हैव लो ओ टू रिक्वायरमेंट पर ग्राम बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको क्या होगी, कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी,
ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, दैट्स वाई वो लो O2 के ऊपर क्या कर सकते हैं, लो O2 के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, काम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर स्किन भी किसका काम कर रही है, रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है, दैट्स मीन O2 की पूर्ति करने के लिए इनके पास एक दूसरी स्ट्रक्चर और है, और वो क्या है, व्हाट इज दैट, स्किन। तीसरा, राइट साइड जो ब्लड आ रहा है इनके अंदर, उसके अंदर अपन मानते हैं कि वो पुअर है O2 के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए लो O2 है उसके अंदर, बट दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फास्टली, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वो ब्लड तेजी से किधर पहुंच जाता है, लंग्स की ओर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मिक्सिंग होने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्योंकि एक साइड का ब्लड जो है राइट पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट होने से तेजी से उसका क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पे डबल सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो अपन आए कहां पे, एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स पे। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स अगर अपन हर्ट की बात करें तो वो कैसा है, थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड, वहां पे वो कैसा विकसित हो गया, फिर थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड, टू ऑरिकल्स प्लस वन एंड हाफ वेंट्रिकल्स। वन एंड हाफ वेंट्रिकल्स क्यों कह रहा हूं मैं इसको, इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पे हर्ट को अगर अपन देखें तो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, इज दिस क्लियर, ये पल्मोनरी आर्क और ये लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ध्यान से सुनना, सिस्टेमिक आर्क। सिस्टेमिक आर्क का मतलब ये होता है कि जहां से सप्लाई किसको जा रही है, बॉडी को, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ठीक है ना। तो राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क, और दिस इज द पल्मोनरी आर्क, इससे ब्लड कहां पे जा रहा है, लंग्स को, ठीक है। दिस इज वेंट्रिकल और ये क्या है, इनर या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन कंप्लीटली जो है वेंट्रिकल को क्या नहीं कर पाया है, वो क्लासिफाई नहीं किया कर पाया है या डिवाइड नहीं कर पाया है। दिस वन इज असेसरी चैम्बर के रूप में इनमें क्या है, साइनस विनोसस, अभी कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ किसके अंदर, राइट एट्रिया के अंदर, ठीक है ना, जो मेमल्स में जाते जाते और एविज में जाते जाते हो जाएगा, लेकिन कॉनस कॉनस या ट्रंकस जो आर्टरियोसिस था उसको आप नहीं देख रहे हैं, वो लग पूरा का पूरा क्या हो चुका है, वेंट्रल एरोटा के अंदर क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो दिस इज कैसा है ये, फिर ये कंप्लीट है दो चैम्बर, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, तो थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड। यहां पे भी ब्लड की क्या हो रही है, पार्शियली मिक्सिंग हो रही है, किसके केस में, इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स ऑल्सो द ब्लड इज पार्शियली गोइंग टू बी मिक्स, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहां पे भी अपन ये कह सकते हैं कि जो हर्ट का टाइप है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार के ब्लड इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं और आपस में पार्शियली मिक्स हो रहे हैं, इसलिए ये हर्ट भी क्या कहलाएगा, आर्ट्रियो विनस हर्ट, ठीक है ना, दिस विल ऑल्सो कॉल्ड आर्ट्रियो विनस हर्ट, ठीक है। अब एक चीज यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका ध्यान रखना, कि जब एक रेप्टाइल अंडर द वाटर सरफेस होगा
ठीक है ना। जैसे क्रोकोडाइल की अगर अपन बात करें तो वहां पे तो एक्सेप्शनली जो हर्ट है वो कैसा है, फोर चेम्बर्ड है, ठीक है ना। तो वो जब अंडर द वाटर सरफेस होता है तो जो फोर चेम्बर्ड होने के कारण वहां पे तो मिक्सिंग नहीं मिलेगी किसके अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर। तो जो कंप्लीट वर्ड ब्लड है वो किसको जाएगा, सिस्टेमिक आर्क को। हर्ट से ब्लड जो कंप्लीटली है वो किसको चला जाएगा, सिस्टेमिक आर्क को। लेकिन जब वो वाटर की सरफेस पे होता है तो दोनों को जाएगा, सिस्टेमिक आर्क को भी जाएगा और पल्मोनरी आर्क को भी जाएगा। कारण एट द टाइम वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है और लंग्स में क्या कर रहा है, एयर ऑक्सीजन उसमें आ रही है, तो लंग्स से होते हुए ब्लड गुजरेगा जिससे क्या है कि वो ऑक्सीजनेट हो सके। इज दिस क्लियर। तो ऑक्सीजनेटेड हो इसके लिए फिर जब वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, पानी की बॉडी से या वाटर बॉडी से बाहर आएगा, सरफेस पे होगा, तो ब्लड जो है कहां पे, लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके अंदर, दोनों एरोटा यानी कि लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्क में और पल्मोनरी आर्क दोनों के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इज दिस क्लियर। तो यहां पे भी हर्ट कैसा है, कॉमनली सब मैक्सिमम में कैसा है, 3.5 चेम्बर्ड। एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में वो कैसा है, 4 चेम्बर्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद यहां देखिए, ये ध्यान रखना, इधर से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और ये इधर से कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। और यहां पे पार्शियली थोड़ी ऐसी जगह है जहां पे आपस में उनकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है किसकी, ब्लड की, ठीक है। असेसरी चैम्बर्स जो है उस मैंने बताया, इसमें केवल कौन सा प्रेजेंट होगा, साइनस विनोशस, ये ध्यान रखना। दिस इज द हर्ट ऑफ, किसका हर्ट हो गया, रेप्टाइल्स का। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। अगले की अगर अपन बात करें तो वो कौन है, एवीज एंड मेमल्स। एवीज एंड मेमल्स, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज मोस्ट डेवलप्ड टाइप ऑफ द हर्ट, फोर चेम्बर्ड है। कैसा होगा, फोर चेम्बर्ड यानी कि टू ऑरिकल्स प्लस टू वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकुलर सल्कस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये ओरिकल्स, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इन केस ऑफ द एवीज एंड मेंबर्स क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे देखिए, यू आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ द असेसरी क्या, चेंबर, ठीक है। दूसरा आपने यहां पे क्या देखा था, देखिए ध्यान में हो तो आपको, राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क थी, किसके केस में, रेप्टाइल्स के केस में। ह्यूमन हर्ट या एवीज और मेमल्स के हर्ट में जो डिफरेंस आप कहीं पे नोटिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चरली दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन देखिए यहां पे सिस्टेमिक आर्क एक ही है, यू आर सीइंग द वन सिस्टेमिक आर्क। व्हाट डू मीन बाय दिस, ये सिस्टेमिक आर्क एक क्यों है, देखिए इन केस ऑफ बर्ड्स और मेमल्स राइट सिस्टेमिक आर्क जो थी रेप्टाइल्स की वो फंक्शनल रहेगी और लेफ्ट जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, यानी कि राइट सिस्टेमिक आर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेन सिस्टेमिक आर्क। व्हाइल इन केस ऑफ मेमल्स लेफ्ट विल बी एक्टिवेट, ये मेमल्स के केस में और ये बर्ड्स के केस में, और राइट विल बी डीजनरेटेड, ये ध्यान में रखना। इज दिस क्लियर। दूसरा, यहां पे कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड होना क्यों आवश्यक था, क्योंकि यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ ब्लड एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर पहले अपन ने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था, वो कोल्ड ब्लडेड थे, यहां पे ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड है तो इसका मतलब इनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, ज्यादा। बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो पर ग्राम बॉडी वेट इनको O2 की रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर ब्लड की
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता रहेगा तो टिश्यू या सेल्स तक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की क्या नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी। दैट्स वाई ये जरूरी था कि इनके अंदर कंप्लीट सेपरेशन हो। इज दिस क्लियर? दैट्स वाई दे हैविंग द फोर चैम्बर्ड कंप्लीटली डेवलप्ड हार्ट। एंड वन थिंग वी हैव टू बी रिमेम्बर कि रेप्टाइल्स जो हैं उनमें से उन एंसिस्टर्स से मैमलियन हार्ट का डेवलपमेंट हुआ है जिसके थ्रू अपन ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन का जो टाइप है वो कौन सा है, कन्वर्जेंट। यानी कि कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन है किसका, ह्यूमन हार्ट का। कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि द थिंग्स आर मिक्सिंग, करेक्टर्स आर मिक्सिंग टू गेट ए कॉमन डेवलप्ड करेक्टर। इज दिस क्लियर? दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट। तो ह्यूमन हार्ट इवोल्यूशन इज ए कन्वर्जेंट टाइप ऑफ द इवोल्यूशन। इफ हैविंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।